और इसी बीच एक बड़ी खबर, 10 बजे दिल्ली आ रहे हैं शरद पवार, आज इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे और शाम को 6 बजे इंडी गठबंधन की बैठक होनी है, जिससे पहले शरद पवार आज 10 बजे दिल्ली आ रहे हैं। तो आज लगातार देखा जाएगा कि इंडी गठबंधन के जो तमाम नेता है, तमाम घटक दल है, उनके बड़े नेता बैठक के लिए पहुंचेंगे और काफी महत्वपूर्ण इस मीटिंग को माना जा रहा है, क्योंकि इसी मीटिंग के जरिए अब आगे की रणनीति इंडी गठबंधन बनाएगा, जिसमें शरद पवार भी इसका हिस्सा है और शरद पवार 10 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। बाकी नेताओं की बात करें तो वो भी धीरे धीरे पहुंचेंगे, बताया जा रहा है टीएमसी से अभिषेक बनर्जी भी पहुंचेंगे और इंडी गठबंधन की इस बैठक में शामिल होंगे। शाम को 6 बजे ये मीटिंग होनी है, तो आज दिन भर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा। शरद पवार 10 बजे दिल्ली आ रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है, जिसकी बदौलत यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कारगर रहा। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता की अगुवाई में टीएमसी ने बड़ी जीत हासिल की। इंडी गठबंधन के कार्यकर्ताओं का भी जोश हाई दिखाई दिया। इस बार कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन से पूरे देश को चौंका दिया। राहुल गांधी ने चुनाव से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी, चुनाव प्रचार में भी उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी, उसका असर सीटों पर भी हुआ है। 2014 और 2019 के चुनाव के मुकाबले कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और इसी की बदौलत वो बीजेपी को कई सीटों पर टक्कर दे पाई। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश में थे, सुबह से ही ढोल नगाड़े वाले बुला लिए गए थे, कार्यकर्ता खुशी में जमकर थिरके। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस लोगों को अपनी बात समझाने में कहीं न कहीं कामयाब रही। ये साफ है कि कांग्रेस की बढ़ती सीटें उसके लिए संजीवनी की तरह हैं और ये राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर को भी आगे नई उड़ान दे सकता है। यूपी में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदर्शन से पूरे देश को चौंका दिया। एसपी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की बीजेपी के साथ कांटे की टक्कर रही। लखनऊ एसपी दफ्तर में कार्यकर्ता भारी तादाद में जुटे और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। पश्चिम बंगाल की जनता ने एक बार फिर ममता बनर्जी पर विश्वास जताया। टीएमसी के गढ़ माने जाने वाले बंगाल में पार्टी ने जो उम्मीद की थी उससे भी बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। कोलकाता में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग लगाया, जमकर जश्न मनाया। इस तरह विपक्ष ने इस लोकसभा चुनाव में अच्छा मुकाबला किया, हालांकि वो बहुमत के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंचा, लेकिन इस प्रदर्शन ने विपक्ष की एकजुटता को बल जरूर दिया है और कार्यकर्ताओं में जोश भी भर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यूपी में जिस तरह का रिजल्ट आया है उसने बीजेपी को हिलाकर रख दिया है। यूपी में बीजेपी के न सिर्फ मिशन 80 को धक्का लगा, बल्कि अब की बार 400 पार का नारा भी दूर की कौड़ी साबित हुआ। बीजेपी जहां अपने दम पर 272 सीटें लाने में नाकाम रही, वहीं यूपी में 40 से ज्यादा सीटें गंवा दी। आइए देखते हैं इस रिजल्ट के बीजेपी के लिए क्या मायने हैं। एनडीए को बहुमत, कम हुई सीटें। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में एनडीए बहुमत से आगे है, लेकिन अपने दम पर बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है। नतीजों में इंडिया गठबंधन ने कड़ी टक्कर दी है। एनडीए के सहयोगी दल चुनाव से पहले के अपने वादों पर कायम रहते हैं तो बीजेपी की अगुवाई में एनडीए जीत की हैट्रिक लगाती नजर आ रही है। अगर ऐसा हुआ तो पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मोदी जी आए, मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बने और देश का जो उन्नति हो रही है, विकास हो रही है, वो आगे और बढ़े। खिचड़ी सरकार होने से किसी सहयोगी दल को कितना फायदा मिलेगा
ये भी जल्द साफ हो जाएगा। हालांकि बीजेपी नेता इस बात को लेकर श्योर है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जनता के आशीर्वाद से हमने 2014 में 282, 2019 में 303 इनके पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई जो 1984 के बाद बनी। ये अपने आप में दिखाता है कि जनता ने बार बार विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर किया, मोदी जी पर किया, और इस बार भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। यूपी में कांग्रेस एसपी ने दिया झटका। अगर यूपी में बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के नतीजों के मायने की बात करें तो बीजेपी के मिशन 80 को बड़ा झटका लगा है। 2014 और 2019 वाले प्रदर्शन से भी बीजेपी कोसों दूर रह गई। बीजेपी के लिए यूपी में इन नतीजों के मायने साफ हैं कि वो वोटर्स का मूड समझने में नाकाम रही। बीजेपी के मिशन 80 पर पानी फेरने का सबसे बड़ा काम समाजवादी पार्टी ने किया। बीजेपी 2019 में अपनी जीती हुई सीटें भी बचाने में नाकाम रही। बीजेपी का 400 पार के नारे में सबसे बड़ा रोल यूपी की 80 सीटों का था, लेकिन बीजेपी के दिग्गजों की माने तो उसे यहां करीब 35 से 40 सीटों का नुकसान हुआ। यूपी में कांग्रेस एसपी ने दिया झटका। यूपी में मिली कामयाबी का बड़ा क्रेडिट एसपी मुखिया अखिलेश यादव को जाता है। एसपी ने यूपी में जिस तरह की लड़ाई लड़ी है उसी का नतीजा है कि कांग्रेस को भी यूपी में बड़ी कामयाबी मिली है। मायावती के कैंडिडेट ने बिगाड़ा खेल। यूपी में बीजेपी का काम खराब होने में कई कारण जिम्मेदार रहे। आमतौर पर विपक्ष बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहकर टारगेट करता रहा है, लेकिन पश्चिम से पूरब तक मायावती ने ऐसे कैंडिडेट खड़े किए जो एनडीए के कैंडिडेट्स को ही नुकसान पहुंचा रहे थे। पश्चिम यूपी में मेरठ में देवव्रत त्यागी, मुजफ्फरनगर से तारा सिंह प्रजापति, खीरी सीट से बीएसपी का पंजाबी प्रत्याशी, घोसी में बीएसपी कैंडिडेट बालकृष्ण चौहान ने खेल बिगाड़ा। इतना ही नहीं, बीएसपी ने कई और सीटों पर भी खेल बिगाड़ा। चंदौली में बीएसपी उम्मीदवार सत्येंद्र कुमार मौर्य बीजेपी उम्मीदवार महेंद्रनाथ पांडे के लिए खतरा बने। मिर्जापुर में बीएसपी के मनीष त्रिपाठी ने अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें बढ़ाई। प्रदेश में 24 सीटें ऐसी रही जहां बीजेपी कैंडिडेट के वोट बीएसपी कैंडिडेट के चलते कम हुए। अखिलेश ने कैंडिडेट देने में दिखाई सूझबूझ। चुनाव के दौरान अखिलेश यादव की इस बात को लेकर काफी आलोचना हो रही थी कि वो बार बार अपने कैंडिडेट बदल रहे हैं, लेकिन नतीजे देखें तो अखिलेश ने जो कैंडिडेट खड़े किए वो स्थानीय गणित के हिसाब से बेहतर थे। फैजाबाद लोकसभा सीट यानी अयोध्या में अखिलेश ने अवधेश प्रसाद पर दांव खेला। मेरठ संसदीय सीट से टीवी के राम अरुण गोविल के खिलाफ एससी कैंडिडेट खड़ा किया। मेरठ में अखिलेश ने मुस्लिम कैंडिडेट की जगह एससी कैंडिडेट पर दांव खेला। घोसी से भी एसपी ने पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय को टिकट दिया। भूमिहार बीजेपी के कोर वोटर्स हैं, लेकिन उन्होंने भी राजीव राय को ज्यादा करीबी माना। मिर्जापुर से एसपी के उम्मीदवार राजेंद्र एसपिन एक बड़े कारोबारी हैं। चंदौली से भी एसपी ने टक्कर देने वाला प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह उतारा। एग्जिट पोल आ रहे थे, वो एग्जिट पोल जनता के नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के एग्जिट पोल थे, और आज आ रहे हैं खुल कर करके वो जनता का एग्जिट पोल है। यूपी सीएम को हटाने की अफवाह से नुकसान। यूपी में क्षत्रियो में नाराजगी की भी बीजेपी को बड़ी कीमत चुकानी पड़ गई। पहले गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला का क्षत्रियो पर कमेंट मुद्दा बना। इसके बाद गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कटना भी मुद्दा बन गया। इस बीच ये अफवाह भी फैलाई गई कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिलती हैं तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हटा देगी। इस बात को लेकर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला था। बीजेपी के लिए नतीजों के मायने। अब की बार 400 पार के नारे की बुनियाद यूपी की 80 सीटों पर आधारित थी। ऐसे में यूपी में उलटफेर के क्या मायने हैं, इन्हें जान लेते हैं।
महंगा पड़ा पुराने चेहरों पर दाव। कांग्रेस एसपी गठबंधन को हल्के में लिया। ओबीसी और दलित वोट ने पहुंचाई चोट। अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला सफल। बीएसपी का वोट बैंक एसपी की तरफ शिफ्ट। बीजेपी का पसमांदा प्लान सफल नहीं हुआ। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उलट पड़ा। चुनावी सभा से गायब रहे स्थानीय मुद्दे। सहयोगी दल ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। काम की जगह मोदी के नाम पर वोट मांगे। राम मंदिर के मुद्दे पर ज्यादा निर्भर रहे। यूपी में बीजेपी अपना 2014 और 2019 का भी प्रदर्शन नहीं दोहरा सकी। ऐसे में यूपी में इतनी सीटों के नुकसान पर बीजेपी को आत्मचिंतन करना होगा। हालांकि एनडीए ने तीसरी बार बहुमत हासिल करके ये साबित कर दिया है कि मोदी सरकार में लोगों का भरोसा अभी भी कायम है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।